हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की कुकिंग आइडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए फटाफट देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो आ जाइए। तो आज शाम को सभी का मन कर दिया पास्ता खाने का। सबने बोला पहले पास्ता खाएंगे, बाद में चाय पियेंगे। तो मैंने बनाया मैगी मसाला वेजिटेबल चीज पास्ता। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इस पास्ता को कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड करने वाले हैं पास्ता में। तो चलिए सबसे पहले पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस के ऊपर एक गहरे बर्तन में पानी डालकर रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप किया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर इसमें एक कप पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता को 1-2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो अब गैस के ऊपर पैन रखेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 2 चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे, 2 शिमला मिर्च चॉप की हुई ऐड करेंगे, 2 गाजर ऐड करेंगे चॉप की हुई, 2 टमाटर ऐड करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो सब्जियों को मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। पकाने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 2 पैकेट मैगी मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको पास्ता खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और आप इसे हफ्ते में 2-3 बार बनाकर खाना चाहते हैं ना, तो व्हीट फ्लोर पास्ता बनाकर खाइए। खाने में हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो पास्ता को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, बस इसे 2 मिनट से ज़्यादा उबालेंगे नहीं। पास्ता को हमें बस सॉफ्ट करना है, ओवर कुक नहीं करना है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे एक छन्नी में छान लेंगे। अब पास्ता को सब्जियों में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो पास्ता को सब्जियों में मिक्स करते हुए मैंने 1 मिनट के लिए पकाया है इसे। अब इसमें अमूल चीज ऐड करेंगे। तो मेरे पास ये स्लाइस वाली चीज पड़े थे तो ये ऐड करूंगी। तो पास्ता में चीज के 1 स्लाइस अभी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी 1 सीट हम बाद में सर्विंग में ऐड करेंगे। तो पास्ता में चीज बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अब गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे एक बोल में ट्रांसफर करते हैं। तो ये पास्ता मैंने अपने हस्बैंड को बना के खिलाया, उन्हें तो बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला ऐसा करो तुम डेली शाम को इसे बना लिया करो। मैंने भी हाँ बोल दिया, पर डेली बनाकर पास्ता नहीं खिला सकती क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए ना ठीक नहीं होता है, कभी कभार चलता है। तो ये हमारा मैगी मसाला वेजिटेबल चीज पास्ता बनके रेडी हो गया। चलिए अब इसे एंजॉय करते हैं। तो आप भी इस मैगी मसाला वेजिटेबल चीज पास्ता को बनाइए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सभी के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो आज मेरे मैगी मसाला वेजिटेबल चीज पास्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।